गाइस हम लोग मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? चलिए ये आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। गाइस सेल्स में हम कस्टमर की तरफ खुद भागते हैं, जबकि मार्केटिंग में हम अपनी प्रोडक्ट दिखाकर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। और इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है, तो वो आपको एक सिंपल वे में कुछ यूं समझाता हूं। गाइस जॉब में आपको ये पता होना चाहिए कि कुएं से पानी किस तरह निकाला जाए, जबकि बिजनेस में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि खुद का पूरे का पूरा कुआं कैसे बनाना है। गाइस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज्यादा फायदे हैं या नुकसान, ये जानना बेहद मुश्किल है। लेकिन दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूएस की 10 साल की लड़की ने टिकटॉक चैलेंज एक्सेप्ट किया, जिसमें शामिल होने वाले को दरअसल करना ये था कि तब तक अपनी सांस रोके रखनी जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। और इसी तरह करते करते इस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। इस लड़की की दुखी माँ ने दुनिया की सभी माओं को ये मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों के फोन को जरूर देखें, ताकि वो क्या यूज कर रहे हैं उनको पता हो। गाइस आजकल के दौर में मोबाइल से मैसेज करना शायद आप सबके लिए आम बात होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 30 साल पहले साल 1992 में मोबाइल से भेजा गया मैसेज दुनिया का सबसे पहला मैसेज था, जिस पर लोग काफी हैरान भी हुए थे, क्योंकि तब मोबाइल से मैसेज भेजना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन अब 30 साल के बाद वो मैसेज दोबारा से चर्चा में है, क्योंकि उस मैसेज को 92 लाख रुपए में नीलाम किया गया है। उस मैसेज में शायद यही लिखा था जो आज भी आप लोगों को कहते हैं। उसमें लिखा था मैरी क्रिसमस।